प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर सोशियोलॉजिकल थॉट की बात करेंगे। और इस प्रथम प्रश्न पत्र सोशल थॉट के अंतर्गत अब तक हम आपके साथ कार्ल मार्क्स के बारे में बात करेंगे। कार्ल मार्क्स के बारे में बात कर चुके हैं। प्रथम जो इकाई है उसमें आपके पाठ्यक्रम के अनुसार कार्ल मार्क्स, इमैनुअल कैंट और मैक्स वेबर, इन तीन सामाजिक विचारकों को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। उसी श्रेणी में हम लोग आपके साथ कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के बारे में पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अगले विचारक जो कि इमैनुअल कैंट हैं, उनके द्वारा जो समाजशास्त्र में योगदान दिया गया है, विशेष रूप से सामाजिक तथ्य और समाज में श्रम विभाजन के बारे में बात करने के लिए आपके सामने पेश हैं। इमैनुअल कैंट की जहाँ तक बात है, इनके लाइफ स्टाइल की जहाँ तक बात है, इमैनुअल कैंट का जीवन काल अप्रैल 15, 1858 से लेकर नवंबर 15, 1917 तक का इनका जीवन काल है। विशेष रूप से मोटे तौर पर हम इमैनुअल कैंट के बारे में जब चर्चा करते हैं तो ये बात सामने उभर कर आती है। इमैनुअल कैंट के बारे में अगर बात करें तो इमैनुअल कैंट एक फ्रेंच दार्शनिक रहे हैं तथा समाजशास्त्री हैं, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनल में हुआ। दुर्खिम यहूदी थे। उनकी पत्नी का नाम लुइस ड्रेफस था। उनके दो संतान मेरी और आंद्रे थे। समाजशास्त्र में इनकी पहचान की जहां तक बात है, ये फ्रेंच सामाजिक विचारकों में कोम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं और इनकी जो विचारधारा है ये कोम्ट की ही भांति अत्यधिक प्रत्यक्षवादी रहे हैं और अब वैज्ञानिक पद्धतियों को जागृत करने के लिए सदैव सचेत रहे हैं। वैज्ञानिक पद्धतियों को ही आपने अपने समस्त अध्ययन का आधार बनाया है। आपके अनुसार समस्त सामाजिक घटनाओं का मूल कारक तो समाज स्वयं ही है। इनकी विचारधारा या मान्यता की जहां तक बात करें, समाजशास्त्र में दो प्रकार के समूह है अब तक रहे हैं। एक समूह है ऐसा रहा है समाजशास्त्र में जिसकी यह मान्यता रही है कि व्यक्ति के कारण समाज का अस्तित्व है, जबकि दूसरा समूह है उसकी यह मान्यता रही है कि समाज के कारण व्यक्ति का अस्तित्व है। तो ये दो विरोधी समूह हैं। समाजशास्त्र में समाजशास्त्र की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक भी जाने जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, एक समूह ऐसा है जो ये मानता है कि व्यक्ति के कारण समाज का अस्तित्व है और दूसरा समूह यह है जो ये मानता है कि समाज के कारण व्यक्ति का अस्तित्व है। इमैनुअल कैंट जो है वो उस समूह के पक्षधर है जिसकी यह मान्यता रही है कि समाज बड़ा है, व्यक्ति छोटा है। समाज के कारण व्यक्ति का अस्तित्व है, न कि व्यक्ति के कारण समाज का अस्तित्व है, यानी कि समाज है इसलिए व्यक्ति है, ऐसा मानने वालों में इमैनुअल कैंट समाजशास्त्र में जाने जाते हैं। इमैनुअल कैंट की यह भी मान्यता रही है कि समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं के पीछे किसी राजनीतिक कारण को नहीं खोजना चाहिए, किसी भौगोलिक कारण को नहीं खोजना चाहिए, बल्कि समाज में जो घटना घटित होती है उसके पीछे सामाजिक कारणों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि समाज में जो भी घटित हुआ है उसको जानने के लिए एक समाजशास्त्री का यह दायित्व है कि वो इर्द गिर्द की बातों में ध्यान न देकर समाज में ही उस घटना के कारणों को जाने और उस घटना के कारण क्या समाज पर प्रभाव पड़े हैं उन प्रभावों को देखने की कोशिश करे। इमैनुअल कैंट इस बात के समर्थक हैं। दुर्खिम ने बारंबार इस बात पर अत्यधिक बल दिया कि सामाजिक घटनाओं को जन्म देने में सामूहिक चेतना या समान विचार धारणाएं और भावनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं।
यही आपका सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है। जो सामूहिक प्रतिनिधित्व के बारे में बात की, सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक प्रतिनिधित्व की जहां तक बात है, उसमें दुर्खंड का यह मानना है कि समाज में एक विशेष प्रकार का आवरण होता है, समाज का व्यक्ति पर एक प्रकार का दबाव होता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति ना चाहते हुए भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है या इस प्रकार के कार्य को करता है जिसको कि वह स्वयं नहीं करना चाहता। तो जो समाज की मान्यताएं हैं, समाज के विचार हैं, समाज की धारणाएं हैं, समाज की भावनाएं हैं, उन्हीं को इमैनुअल कैंट ने सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक प्रतिनिधान कहा है। और इनका जो सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, उसी में भी इसी बात का उल्लेख है। जैसा कि हमने आपको बताया कि समाज और व्यक्ति के बीच के संबंध दुर्खिम के लिए केंद्रित है, यानी कि दुर्खिम समाज और व्यक्ति के बीच जो संबंध है वही उनकी मुख्य धुरी रही है। और उसमें विशेष रूप से जो सामूहिक प्रतिनिधान और सामूहिक प्रतिनिधित्व की उन्होंने जो बात की है, उनका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति कुछ कार्यों को जो अंजाम देता है उसके पीछे सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक प्रतिनिधान का एक दबाव होता है, यानी कि समाज की समूह की जो भावनाएं हैं वे व्यक्ति पर एक दबाव डालती है, जिस दबाव से वशीभूत होकर व्यक्ति सामाजिक घटनाओं का अंजाम देता है। ये कुछ मोटी मोटी बातें इमैनुअल दुर्खिम के बारे में थी। और इनके जो विशेष रूप से जो योगदान है इमैनुअल दुर्खिम का, वो समाजशास्त्र जिसके कारण इमैनुअल दुर्खिम को जाना जाता है, इनकी जो रचनाएं हैं, उनकी रचना में जो पहली इनकी रचना है द डेंजर ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि उन्होंने 1893 में लिखी थी, जिसके कारण उनको वैश्विक स्तर पर काफी उपलब्धि मिली, द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन। दूसरी उनकी जो महत्वपूर्ण कृति थी वह थी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैट्रिक्स, जो कि उनकी दूसरी कृति थी, जिसका कि उल्लेख उन्होंने जिनकी कृति यह जो उनकी जो कृति थी पुस्तक वो 1895 में सामने आई, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैटर। तीसरी जो उनकी कृति थी वह थी द सुसाइड, यह द सुसाइड नाम से जो पुस्तक है वो 1897 में आई, जिसमें उन्होंने आत्महत्या के बारे में बड़ी विस्तार से बात की थी। अगली जो उनकी जो कृति है वह है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। और यह जो उनकी कृति है वो 1912 में उभर कर, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं जिनके कारण इमैनुअल दुर्खिम को वैश्विक स्तर पर काफी मान्यता मिली, बड़ी ख्याति प्राप्त हुई। इसके पश्चात जो इनकी मृत्यु के पश्चात कुछ पुस्तकें इनकी जो अधूरी रह गई थी वो उनकी पत्नी के द्वारा प्रकाशित की गई, उन्हें पहली है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जो कि 1922 में उनकी पत्नी के द्वारा प्रकाशित की गई। दूसरी है सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी फिलोसॉफी,
जो कि 1924 में उनकी पत्नी के द्वारा प्रकाशित की गई। एक और कृति मोरल एजुकेशन, जो कि 1925 में 1925 में उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी के द्वारा प्रकाशित की करवाई गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, महत्वपूर्ण योगदान है इमैनुअल दुर्खिम के, जिसके कारण इमैनुअल दुर्खिम को समाजशास्त्र में जाना जाता है। ये आपको बता ही चुके हैं कि इमैनुअल दुर्खिम समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अध्ययन के पक्षधर रहे हैं, जिस प्रकार से कोम्टे ने प्रत्यक्षवादी अध्ययन समाजशास्त्र को दिए हैं, ठीक इसी प्रकार से इमैनुअल दुर्खिम का भी यह प्रयास रहा है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए वो अध्ययन व्यवस्थित अध्ययन हो, क्रमबद्ध अध्ययन हो, पक्षपात रहित अध्ययन हो, वस्तुनिष्ठ अध्ययन हो, प्रत्यक्षवादी अध्ययन। इसलिए ये भी उसी बात के समर्थक रहे हैं कि सामाजिक घटनाओं का जो अध्ययन हो वो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, ताकि सामाजिक अध्ययनों को वैज्ञानिक स्तर पर मान्यता मिल सके, सामाजिक अध्ययन जो है विश्वसनीयता प्राप्त कर सके। तो ये इमैनुअल दुर्खिम का एक संक्षिप्त सा परिचय था, जो कि आपके पाठ्यक्रम में इनके लाइफ स्टेज के बारे में हमने देखने का प्रयास किया। इनके जो अध्ययन अध्यापन की बात है, हमने आपको ये बताया कि पेरिस में कुछ दिन शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप जर्मनी चले गए, वहीं पर आपने अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान, संस्कृति मानव शास्त्र आदि का व्यापक अध्ययन किया और अंत में बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त किए। इसके पश्चात आप पेरिस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र तथा शिक्षा के प्रोफेसर नियुक्त हुए। तो ये इनका एक प्रारंभिक परिचय था, जो कि एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी को जानना जरूरी होना चाहिए, क्योंकि समाजशास्त्र में जो सामाजिक विचारकों की जहां तक बात है, जैसे कि हम बात करें कार्ल मार्क्स हैं, इमैनुअल दुर्खिम हैं, मैक्स वेबर हैं, तो ये उसी श्रेणी में हम इमैनुअल दुर्खिम को रखते हैं, जिनका एक वैज्ञानिक सोच रहा है, प्रत्यक्षवादी अध्ययन रहा है और कॉम्प्ट के उत्तराधिकारी के रूप में इमैनुअल दुर्खिम को मान्यता मिली है समाजशास्त्र। तो ये एक प्रारंभिक परिचय था और इसके द्वारा जो योगदान दिया गया है आपको पाठ्यक्रम के अनुसार, सामाजिक तथ्य की हम लोग बात करेंगे, समाज में श्रम विभाजन की बात करेंगे, क्योंकि ये दो अध्याय सामाजिक तथ्य और समाज में श्रम विभाजन आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं, जिनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।